अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज के एक और व्लॉग में आप सबको खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब खुश होंगे और खैरियत से होंगे। दोस्तों, हम जो फ्लेमिंगो लाए थे कल, माशाल्लाह हमारे फ्लेमिंगोज जो हैं बिल्कुल सेट हैं, और ये पौंड में जो है ना बहुत शौक से जा रहे हैं और जो है ना बहुत ज़्यादा नहा रहे हैं। पूरी नाइट जो है ना हम लोगों ने देखा इसको, तकरीबन कोई 2-3 बजे तक तो मैं जाग रहा था, तो ये रात भर जो है ना पौंड के अंदर बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे और बहुत ज़्यादा जो है ना यानी खुश हो रहे थे इस पौंड के अंदर। और दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह आज के दिन भी जो है हमारा कोई चिक्स जो है वो नहीं मरा है। अल्लाह का शुक्र है कि जितने भी चिक्स हैं अभी बिल्कुल सही हैं, बेहतर हैं अभी। अब थोड़े थोड़े से ये हल्के हल्के बड़े भी हो रहे हैं, इनके पर देखें अब ज़रा वाइट वाइट निकलना शुरू हो गए, जो इनका मसनू कलर होता है वो उतरना शुरू हो गया इनके परों में से। अब आज जो है ना लॉलीपॉप लेकर आया चिंकी के लिए, इसको लॉलीपॉप देते हैं। ये माशाल्लाह से ये चिंकी जो है लॉलीपॉप खा रही है, काटने के चक्कर में लगी हुई है। चिंकी कैसी लग रही है लॉलीपॉप? तुम्हारे लिए अबान भैया लेकर आए हैं। अबान भैया लाए हैं आपके लिए, बड़े मजे मजे से खा रही है ये। आप भी खाएंगी? नहीं आप नहीं खाएंगी? दोस्तों हम लोगों ने जो है ना अपने जो भी पिजन्स की केजी से इनके अंदर हमने इनका जो ग्रीन ग्रास वाला कारपेट था वो भी हमने सब में बिछा दिया है, ठीक है। अभी दोबारा से माशाल्लाह से कंफर्ट हो गए, इनका जो पाँव अगर अटक रहे थे ना इनके पिंजरे के अंदर तो वो भी अब अटकना बंद हो जाएंगे, तो वो भी हमने सेट कर दिया अब। अरे ये क्या, ये बेबी तो बाहर आ गया यार, इसको नीचे निकाल दिया भाई, इसको नीचे निकाल दिया। खुद ही आया है, उसको उठा के रखो ऊपर, ऊपर रखो उसको उठा के। जावा कहाँ से आ गई? जावा इसमें आई हुई है यार, जावा कैसे निकली बाहर? वो दरवाजा खुला हुआ है। हाँ दूसरी है उसमें यार, जावा इसमें आई हुई है। नबील देख ऊपर वाले में, एक इससे ऊपर वाले पिंजरे। दरवाजा नहीं खोलना, कहाँ है ऊपर? एक यारी तो अभी तो बाहर निकली, वो कहाँ गई? ऊपर चली गई, वो गई। भाई जाल लेके आए, जल्दी से जाल रखा होगा उधर केज में। गेट नहीं खुलेगा अभी कोई भी यार, ये हमेशा वाइट जावा के साथ ही हो रहा है, कोई ना कोई बच्चा या पता नहीं मुझसे गलती हो जाती है कि वो केज खुला रहता क्या है। कहाँ गई वो दूसरी? कहाँ इसको भी अंदर रहने दे, पहले वो दूसरी कहाँ? दूसरी जो बाहर है वो बैठी हुई भाई, उसको ट्राई करें, पहले उसको ट्राई करें। कहाँ गई? वो रही उस साइड बैठी हुई, वो रही। ये गई यार, इसको पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा, फिर वहाँ चले गई, इसको बहुत मुश्किल हो जाएगा पकड़ना। वो भाग गई, उधर भाग गई। माशाल्लाह फुल फ्लाइंग कर रही है ये तो, अपना यानी भरपूर तरीके से उड़ रही है ये। ये तो मुझे लग रहा है बहुत मुश्किल है हाथ में आना। दोस्तों फाइनली एक तो जावा हमने पकड़ ली वाइट वाली, ठीक है, और दूसरी जो है अभी भी वो उधर बैठी हुई है सामने। उसको पकड़ना जो है ना बहुत ही मुश्किल लग रहा है, जब तक कि अंधेरा ना हो जाए, क्योंकि अंधेरा होता है ना फिर अंधेरे में इनको ज़्यादा नज़र नहीं आता, तो फिर पकड़ना थोड़ा आसान होगा। तो अभी हम बस वेट करते हैं ज़रा मगरिब हो जाए, मगरिब के बाद फिर इसको पकड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी तो बहुत ट्राई कर लिया इसको पकड़ने की, ये सिर्फ और सिर्फ हमें घुमाई जा रही है पूरे केज के अंदर, तो इसको फिर मगरिब के बाद ही पकड़ते हैं भाई, सही है ना? दोस्तों ये जो हमारे बबलू का जो केज था, इसकी जो ये दरवाज़ा था ये टूट के गिर गया था, तो हमने जो है ना अभी कीलें हटा के जो कट स्क्रू होता है ना, कट स्क्रू के ऊपर ये दरवाज़ा लगा दिया। अल्हम्दुलिल्लाह जो है बेहतर है, अब देखते हैं अगर फ्यूचर में दोबारा खुदा ना खासा टूटा या कुछ होगा तो फिर हम कोई और मजबूत थोड़ा दरवाज़ा लगाएंगे इधर, तो अभी ये भी माशाल्लाह से सेट हो गया हमारा दरवाज़ा। दोस्तों आप लोगों ने ना कमेंट्स के अंदर बताना ज़रूर है कि आपको हमारे फ्लेमिंगो कैसे लगे हैं। माशाल्लाह से हम इनको कल लेकर आए और अभी तक जो है अल्हम्दुलिल्लाह सेट है। दोस्तों फाइनली जो है हमने दूसरी वाली वाइट जावा भी पकड़ लिया और वैसे ही किया जैसे हमने सोचा था। हमने सोचा था कि हम जो है ना मगरिब होगी तो फिर हम अपने जू की जो लाइट है ना वो लाइटें ऑफ करके उसके बाद इसको पकड़ेंगे, तो हमने लाइटें ऑफ करके इसको पकड़ा और फाइनली हमारे हाथ में ये लगी गई है। तो इसको भाई अभी डालने दोबारा केज में, ये भी चले गई माशाल्लाह से। इसने बहुत तंग किया है हमें और इसके जो है ना पर पूरे पर हैं, फुल फ्लाइंग करती है माशाल्लाह से। अब आइंदा एहतियात करेंगे भाई, तुम्हारा केज जो है ना हम खुला नहीं छोड़ेंगे।
दोस्तों आज जो था ना, हम लोग गए थे फिर से मार्केट, और आज हम प्लान करके गए थे कुछ बर्ड लेके आएंगे, और स्पेशली एक बर्ड था वो लेके आना था, लेकिन जब हम मार्केट गए तो मार्केट में जाके हमें वो बर्ड तो इतने अच्छे क्वालिटी में नहीं मिल रहे थे, तो हमें वहाँ पे एक और चीज़ नज़र आ गई और उस पर दिल भी आ गया भाई का, तो फिर हमने जो है ना फाइनली वो चीज़ ले ली है, तो अब हम आपके साथ शेयर करते हैं। पहले भी हमने ली थी लेकिन वो थोड़ा सा हम ये समझे कि उसमें फॉल्ट था उसके अंदर, तो लेकिन अब की बार जो हम चीज़ लेके आए हैं माशाल्लाह से उससे कई गुना ज़्यादा खूबसूरत भी है और प्यारा भी है, और अल्हम्दुलिल्लाह ओके है सारी चीज़ें। तो अब आपके साथ हम वो शेयर करते हैं हम लेकर क्या आए हैं। ये आ गया हमारा प्यारा प्यारा सा खूबसूरत सा नया दुम्बा, आप इसका कलर देखें माशाल्लाह से, माशाल्लाह से कितना प्यारा कलर है इसका, और इसकी टांगों पे, इसके फेस पे जो है वो टच आ रहा है सिर्फ, और बाकी पूरा पूरा वाइट है। कैसा लग रहा है लान आपको ये? बहुत अच्छा है। प्यारा लग रहा है ना, क्यूट क्यूट सा, प्यार कर रहा है, देखो क्या करता है, छोटा सा ना, जो पहले वाला था फ्लफी उससे ज़्यादा प्यारा लग रहा है ना ये, माशाल्लाह से। ये हमारे मस्ती भरा जू के अंदर एक और एडिशन हो गया है और न्यू, और मेरे को बहुत प्यारा लगा इसका कलर, माशाल्लाह बहुत प्यारा लगा मुझे, और ये है भी बहुत सॉफ्ट, सॉफ्ट सॉफ्ट है ना, उससे ज़्यादा ना सॉफ्ट सॉफ्ट साफ साफ। मैं इसका ब्रश रखना रोजाना, तो ब्रश मारना है। अब आपने ब्रश मारना है इसको फिर, ठीक है, और फिर आपने नाम भी सोच के बताना है, अभी नहीं आप आराम से सोचें क्या नाम रखना है, फिर नाम आप बताइएगा। दोस्तों हम जो है ना अभी रिव्यू करते हैं ज़रा हमारे जो फिंची का केज है इसके अंदर क्या मामला चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज तीसरा या चौथा दिन हो गया हमारी, अब कोई भी फिंच नहीं मरी है, जब से बिलखसूस हमने ये ऊपर से कपड़ा डालना शुरू किया ना, तो सर्दी जो डायरेक्ट हवा इनको लग रही थी वो लगना बंद हो गई है, तो माशाल्लाह से अभी तीन चार दिन से ऊपर हो गया, कोई भी ऐसी फिंच वगैरह हमारी कोई भी उसकी मौत नहीं हुई है। और अभी जो पीछे वाली जो रेड वाली है ना उसके अंदर भी देखें, अभी एक शायद मादी अंदर बैठी हुई है, तो इसमें हम देखते हैं इसमें क्या मामला है। इसमें ये देखें, इसमें ये मादी बैठी हुई है, और मुझे ये डाउट हो रहा है यार इसके अंदर जो है वो मर गई है क्या फिंच। भाई इधर आए इधर आए, वो जो पीछे रेड वाली वो है ना कहते हैं हांडी, उसमें मुझे लग रहा है वो मर गई है, वो अंदर ही मर गई है। कैसे? चेक करें जरा, देखें जरा उसमें जो वाइट वाली है ना वो मर गई है ना, मरी हुई है ना। निकालें बाहर निकालें, अंडा दिया बता, तो ये क्या मामला हुआ है, ये कोई अंडा वंडा तो नहीं इसका जैसे देते हुए फंस गया कुछ ऐसा हो गया। दोस्तों अभी मैं आपसे बात कर रहा था कि अल्हम्दुलिल्लाह तीन चार दिन हो गए हमारी कोई फिंच नहीं मरी है, और अभी जब मैंने जो है वो हांडियाँ चेक करने लगा हूँ कि शायद किसी हांडी में नेस्टिंग वगैरह हुई है और अंडे वगैरह दिए कि नहीं है, और इस वाली ये जो रेड वाली हांडी थी ना इसमें जा रहे थे ये पेयर, और इसी के अंदर आप देखें ये मुझे लग रहा है ये मादी है और ये इसके अंदर मरी हुई है। अब ये पता नहीं क्यों मरी है, क्योंकि ठंड वन का इंतज़ाम भी हमने जो है वो कर दिया कि ठंड नहीं इनको पहुँच रही है डायरेक्ट। ओहो चलो देखते हैं अभी, बट बाकी तो अल्हम्दुलिल्लाह और तो कुछ ऐसा मामला नहीं लग रहा है। इसके अंदर भी जो है नेस्टिंग की हुई है, ठीक है, और इस येलो वाले के अंदर भी बर्ड्स जाना शुरू हो गए, और इन्होंने इसके अंदर देखें ये मैंने पर वगैरह रखे थे इधर ना, ये कबूतर के पर रखे थे ताकि ये अपने जो है ना कम्फर्ट उसके लिए लेके जाते हैं अपने उसमें हांडी में, और ये लेके गई हुई है इसके अंदर, बाकी और किसी के अंदर नेस्टिंग वगैरह नहीं हुई है अभी तक। चले अल्लाह मालिक है, हमने तो अपनी तरफ से पूरी भरपूर कोशिश की है कि ये इनको जो भी इन्वायरमेंट है वो सब कुछ प्रोवाइड करें, बाकी फिर अल्लाह मालिक है। दोस्तों हमारे जो है ना मिनी जू के अंदर आज दो दो जो है ना बच्ची आई हुई हैं, बहुत प्यारी प्यारी सी गेस्ट आई हुई हैं, और इनसे हम पूछते हैं इनको हमारा जू कैसा लग रहा है। पहले तो आप बताओ आपका नाम क्या है? इकरा नाम है आपका, और आपका क्या नाम है? शिफा। आप तो आयजा हैं, ठीक है, और आप बताएं आपको हमारा ये मिनी जू कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लग रहा है। इसमें आपको कौन सा एनिमल या कौन सा बर्ड सबसे ज्यादा अच्छा लग रहा है? वो है बांदा है, वो अच्छा लग रहा है, और ये पानी में वो जो बांदा हुआ है। हाँ। वो दुम्बा अच्छा लग रहा है, वो अच्छा लग रहा है। ये अच्छा नहीं, फ्लेमिंगो अच्छे नहीं लग रहे आपको? क्यों डर लग रहा है इनसे? अच्छा
इसलिए अच्छा नहीं लग रहा, वरना वैसे ब्यूटी तो है ना, है ना। और आपको शिफा कौन सा अच्छा लग रहा? मुझे वो वाला एथलेट। कौन सा वाला? वो वाला एथलेट जो बंदा हुआ है, बंदा खुला वाला। ये वाइट वाला, ये वाला हाँ। अच्छा आपको ये अच्छा लग रहा है। अच्छा जबकि इकरा को तो ये अच्छा नहीं लग रहा, वो बोले क्योंकि डर लग रहा है उससे। आपको डर नहीं लगता इसे? फिर आप ऊपर क्यों चढ़ी हुई हो? आप नीचे आओ ना फिर, अगर डर नहीं लग रहा तो आ जाओ नीचे, आ जाओ आ जाओ। अच्छा झूला झूल लियो आप, चलो ठीक है। दोस्तों हम लोग जो हैं अपने दुम्बे को जो है ना हमने यहाँ बांध दिया बकरे वाले पोर्शन में, और माशाल्लाह से बहुत अच्छे से आराम से यहाँ बैठा हुआ है, ठीक है। और अभी जो है हमने जो है ना अपने छत के ऊपर भी जो बकरे वाला पोर्शन था उसके ऊपर हमने ये पैनाफ्लेक्स लगा दिया। तो ये पैनाफ्लेक्स लगाते हुए मैं आपको वीडियो शेयर नहीं कर सका क्योंकि यानी कि मैं काम कर रहा था ऊपर, तो इसलिए कैमरा पकड़ने वाला कोई बंदा नहीं था। तो बढ़िया कि फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये भी लगा दिया ताकि जो है ओस वगैरह जो है वो डायरेक्ट जो है हमारे बकरों के ऊपर ना गिरे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये वाला काम भी हमारा आज हो गया पूरा। दोस्तों आप लोगों ने बताना ज़रूर है कि आपको हमारा दुम्बा कैसा लगा है। बहुत मुझे तो बहुत प्यारा लगा है पर्सनली, बहुत छोटा सा क्यूट क्यूट सा प्यारा सा। तो आपने कमेंट्स के अंदर जो है हमें इसके बारे में बताना है आपको कैसा लगा, और इसका नाम भी जो है आप लोगों ने ज़रूर सजेस्ट करना है कमेंट्स के अंदर कि हम इसका क्या नाम रखें। दोस्तों ये था मेरा आज का ब्लॉग, उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और मेरी इस वीडियो को लाइक करें। इंशाल्लाह मिलते हैं कल एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। भाई देखें बुलबुल कितने मजे से सो रही हैं, दोनों एक साथ बैठी हैं शाख के ऊपर। ये बड़ी फैमिलियर हो गई भाई, बहुत खूबसूरत मंजर देती हैं ये, मुझे तो दिल खुश कर देती हैं। जब इधर से उधर उड़ रही होती है ना बहुत प्यारी लगती है। और सुबह सुबह ना आज फजर की नमाज के बाद मैंने देखा, जब मैं नमाज पढ़ के आया ना इनकी आवाज़ इतनी प्यारी लग रही थी, इधर से उधर चचाती फिर रही थी। प्यारा बोलती है।